जवाब जमा करवा चुके हैं, नैब की कार्रवाइयां जो हैं वो इमरान खान साहब की हिदायत पर की जा रही हैं। तो आखिर ये एक तरह से वो कैंसर सर्वाइवर हैं जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको बार बार बुलाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, हम ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं, अगर आपने पूछना है तो स्काइप के थ्रू पूछ ले। तो ये इस किस्म का माहौल जो आज देखने में हमें आया नजर, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? नीलम, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कैंसर पेशेंट होने की बात है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका साया उनके बच्चों पे कायम रखे। देखिए, ये जो जितने भी केसेस हैं नीलम, ये कोई हमारे दौर के नहीं बने हुए, ये दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और आपको पता है कि मियाँ साहब बाहर चले गए थे, जब वापस तशरीफ लाए हैं, उनको बारह बुलाया गया, वो नहीं गए। अगर मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जगह होता, अगर मैं, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं पता क्या करता, मैं सीधा जाता चेयरमैन नैब के पास, उनको कहता जी मेरे खिलाफ आप जेआईटी बनाएं। अगर चेयरमैन नैब जेआईटी ना बनाते, मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता, मैं कहता कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं की, ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, आप बेस्ट लोग जो अवेलेबल हैं, आपको उसमें ISI हो, उसमें FIA हो, उसमें पुलिस हो, जितने भी नैब हो, तमाम इदारों की कमेटी बनाए और वो कमेटी GIT बनाकर उसकी रिपोर्ट मुरतब करे और कौम के सामने रख दे। अच्छा, अब ये तो कर नहीं रहे हैं, आप लोग बेल के लिए गए, बेल आपको मिली नहीं है, उसकी डेट कल हो गई, इसलिए आज जो भी काम किया है नैब ने, वो एक आईनी और कानूनी किया है। अगर ये समझते हैं कि नैब के कवानीन तब्दील करने हैं ताकि ये चीजें ना हो, इनके पास पूरे 10 साल थे, अभी भी वक्त है। हम तो खुद चाहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए, जहाँ पे आप समझते हैं लैकुनाज मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं मुस्लिम लीग नून को कहूंगा, तो बार बार ये कहने से कि ये हुकूमत